हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन सहा। स्वागत है आप सबको मेरा चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, और अपने आप को और सुरक्षित रखने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। तो आप पिक्चर देख के ही पता चल गया होगा फ्रेंड्स आज क्या बनाने जा रही हूँ मैं। तो ये रहे पतले वाले ब्रिंजल, पतले वाले जो बैगन होते हैं वही। तो अभी तो भेज का महीना है, सावन का महीना है, अधिकतर लोग भेज ही खाते हैं। तो इस तरीका से, सिंपल तरीका से ब्रिंजल का कलौंजी आप बना के ट्राई करिएगा। और जो बैगन पसंद करने वाले पसंद करते हैं, जिन लोग जो बैगन, उनको ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। और ये रेसिपी अगर बना लेते हैं एकदम शॉर्ट टाइम में, 5 से 10 मिनट में ही बन जाता है ये रेसिपी। तो चावल के साथ, यकीन मानिए, सिर्फ चावल के साथ ये ब्रिंजल का इस कलौंजी से ही आपका पूरा खाना अच्छी तरह से हो जाएगा, और दूसरा कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाते हैं ब्रिंजल का कलौंजी या तो बैगन फ्राई। बैगन का कलौंजी के लिए मैं सारे बैगन को, सारे ब्रिंजल को कट कर ली हूँ फ्रेंड, छोटे छोटे टुकड़ों में, और बीच से चीरा लगा दी हूँ ये देखिए। और मसाला है मेरा 1 टेबल स्पून जीरा, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च की पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप दिखा खाते होंगे थोड़ा लाल मिर्च पाउडर बढ़ा सकते हैं। और ये रहे नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और तड़के के लिए मैं लिए हूँ 1 चुटकी कलौंजी काला जीरा, 1 चुटकी अजवाइन और 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और ये रहे 1 चुटकी मेथी। इन इंग्रेडिएंट्स को मैं तड़का में यूज़ करूँगी। और आप मन करे तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स, इसको भून के भी आप ऐसे बिना उबाल के भून के भी पीस के इसको इस कलौंजी में ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल तरीका से कलौंजी बना रही हूँ, इसीलिए इसको तड़के में ही ऐड कर दे रही हूँ, ताकि इसका जो स्मेल है, सेंट है अच्छा, वो आ जाए कलौंजी में और फटाफट बन जाए। और ये ब्रिंजल को मैं कट करके पानी में थोड़ी देर भिगो के रखी थी, उसके बाद इसको निकाल के अभी बनाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बने रहिए मेरा चैनल में, और इसका कलौंजी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए, तेल मेरा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ी सी तड़का लगा के इसको फ्राई करूंगी। तो ये रहे 1 चुटकी मेथी, 1 चुटकी जीरा और 1 चुटकी कलौंजी और थोड़ी सी 1 चुटकी अजवाइन, मतलब जीरा, अजवाइन, मेथी और कलौंजी, इन्हीं मसालों का मैं तड़का लगाऊंगी। तो चलिए तड़का लगाते हैं। बुतू मेरा गोदी में है और चिल्ला रहा है अभी सोने का इसको तड़के। तो तड़के मेरा चटक रहे हैं, तो इधर चटकने दे रही हूँ। सारे तड़का चटक रहे हैं मेरा। तो सारे बैगन मेरा थोड़ा थोड़ा फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं ऐड कर दे रही हूँ लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, और ये रहे जीरा पाउडर, और ये रहे हल्दी पाउडर, और ये रहे नमक। नमक स्वाद अनुसार ही ऐड करिएगा फ्रेंड्स। और मैं लहसुन भी कूट के डालूंगी, अभी कूटी नहीं हूँ। इन्हीं मसालों को सारे अच्छी तरह से भूनेंगी, उसके बाद तैयार हो जाएगा मेरा बैगन फ्राई या तो बैगन का कलौंजी। अब ऐड करूंगी कूटी हुई लहसुन, जैसे कि 1 चम्मच जैसा पानी, क्योंकि जो सूखा मसाला मैं ऐड की थी जीरा और सूखी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, उनको थोड़ा सा भीगने के लिए, नहीं तो मसाला जल जाने से टेस्ट अच्छा नहीं बनता है। तो देखिए, अब मैं इसको एकदम लो फ्लेम में रख के थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद तैयार हो जाएगा मेरा बैगन का कलौंजी या तो बैगन फ्राई। तो इस सीजन में आप आराम आराम से बना खा सकते हैं, अभी तो सावन का महीना चल रहा है फ्रेंड, और भेजी भेजे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, चावल के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको ढक के छोड़ दे रही हूँ 5 मिनट के लिए, एकदम लो फ्लेम में रख के। तो ढके हुए मेरा 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट। अब ओपन कर ले रही हूँ, लो एंड मीडियम फ्लेम में रख के ही मैं इसको फ्राई कर रही थी। तो मेरा
फ्राई हो ही चुका है, इसको थोड़ा चला दे रही हूँ। देखिए अब इसका फ्लेम को मैं फुल कर दे रही हूँ, बैंगन पूरा पक चुका है, देखिए बन चुका है ऑलमोस्ट। कितना अच्छा बना है, तो इसको परोसूंगी चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। बन गया बैंगन फ्राई है, तो बैंगन का कलौंजी सिंपल तरीका से 5 से 10 मिनट में बन जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही फटाफट बनता है। तो बन के रेडी फ्रेंड्स, ब्रिंजल फ्राई या तो बैंगन का कलौंजी सिंपल तरीका से। तो जो बैंगन पसंद करने वाले हैं फ्रेंड्स, उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। अगर इस तरीका से सिंपल तरीका से 5 मिनट में इस रेसिपी को आप बना लेते हैं, तो चावल के साथ और कुछ नहीं लगेगा फ्रेंड्स, सिर्फ चावल है। ये बैंगन का जो कलौंजी है, इस तरीका से बना के आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ज़रूर एक बार बनाइएगा और खा के कॉमेंट करिएगा कि कैसा लगा है इस रेसिपी को। तो आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, खिलाइएगा। और मेरा रेसिपी अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नया व्यूअर से मेरे चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलेंगे नया रेसिपी या तो ब्लॉग के साथ। और सक्षम भी आ गया, उतना समय मैं बना रही थी तो बुद्धू था मेरे गोदी में, उसको ले लेके वीडियो भी की हूँ और बनाई भी हूँ। और इधर अब जब परोसने जा रही हूँ चावल के साथ, तो सक्षम भी आ गया। मैं तो छू भी नहीं सकते, इतना गर्म है। तो अभी गर्म है और छू नहीं पा रहा है। जन में जो भेज खाना खाते खाते पसंद नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है भेज खाने में, तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी रेसिपी है।